बड़ी खबर बिहार के आरा से है, जहां सहार थाना क्षेत्र के पेरहाप गांव में पूर्व के विवादित में दो सगे भाइयों को गोली मार दी है। घटना से एक भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान पेरहाप निवासी 52 वर्षीय कमलेश राय के रूप में की गई। वहीं मनोरंजन राय गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई बाइक से आरा जा रहे थे, तभी अपराधियों ने गोली चला दी। वहीं मृतक कमलेश राय पर अप्रैल में भी बदमाशों के द्वारा उनके घर पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें वे जख्मी हुए थे और उनका पुत्र आदित्य कुमार की मौत हो गई। वहीं भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि आज पीरो अनुमंडल अंतर्गत सहार थाना के पेरहाप गांव में चचेरे भतीजे और चचेरे चाचा के बीच संपत्ति विवाद जो पूर्व से चल रहा था, उसी को लेकर चचेरे भतीजे प्रियांशु राय के द्वारा चचेरे चाचा कमलेश राय और मनोरंजन राय के ऊपर गोली चला दी गई, जिसमें कमलेश राय की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा मनोरंजन राय को कंधे पर गोली लगी है। पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है और फिलहाल वो खतरे से बाहर है।